नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। क्या इस सत्ता ने खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जी की मूलभूत फिलॉसफी यानी अहिंसा को मेलाइन करना शुरू कर दिया है? क्या उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बदनाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है? मेरा सवाल आपको अटपटा लग सकता है। आखिरकार कहा जा सकता है कि इस सरकार ने गांधी जी के नाम पर क्या कुछ नहीं किया है। यहां तक कि करेंसी नोट पर गांधी जी के चश्मे का एक स्केच मौजूद रहता है। वही स्केच स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है। मोदी जी और उनके पार्टी के अन्य नेता किसी भी अवसर को नहीं खोते गांधी जी का नाम जपने में। तो मैं ये अनयूजुअल सवाल क्यों कर रहा हूं? दरअसल 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह की समाप्ति तक एक डाक टिकट भी जारी किया। मोदी जी ने अपने उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कार्यक्रम में मौजूद थे। यूपी में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गोरखपुर पूर्वांचल का राजनीतिक एपिसेंटर है। माना जाता है कि यहां से पॉलिटिकल ट्रेंड या फिर पॉलिटिकल परसेप्शंस को सेट किया जा सकता है। विद दिस फंक्शन supposedly a government function, the UP government initiated a year-long program of the Chauri Chaura incident. Almost simultaneously, the state government launched its plan to construct 1,008 villages within the 5-kilometer radius of the river Ganga on both sides and construct what are called Aarti Sthals. इरादा स्पष्ट है। 2022 के चुनाव के पहले लोगों के बीच राष्ट्रवादी और धार्मिक उत्साह और जोश बनाने का ऑब्जेक्टिव। ऐसे चौरी चौरा इंसिडेंट की शताब्दी अगले साल होगी, लेकिन इस सत्ता की आदत है एक साल पहले से ही पूरा जो एनिवर्सरी है उसको मनाने लगते हैं। पूरे साल प्रोग्राम्स होते रहते हैं और अतीत के मुद्दों पर लोगों को इन्वॉल्व रखने की कोशिश की जाती है। रणनीति है लोगों को समकालीन संकटों से या फिर मुद्दों से बिल्कुल परे रखा जाए, उनको डिसएंगेज करके रखा जाए। इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क हाउ डू वी रिकॉल चौरी चौरा इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। फॉर मोस्ट पीपल marked the end of a glorious chapter of Indian history, that of the non-cooperation Khilafat movements. The years 1920 and 21 में ये simultaneous आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन आंदोलन यानी कि मास प्रोग्राम था। असहयोग आंदोलन हिंदुस्तान का पहला आंदोलन था जब अलग अलग जाति और संप्रदाय एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए थे। उनकी सिर्फ 2 प्राथमिक मांगें थी। एक कि ब्रिटिश सरकार रोलेट बिल्स वापस ले, दूसरा मुस्लिम पवित्र स्थानों और क्षेत्रों पर खलीफा का नियंत्रण रिस्टोर किया जाए। आपको ताज्जुब होगा, चौरी चौरा 2 अलग अलग गांव थे, एक दूसरे के करीब थे। चौरी उन दोनों में से बड़ी थी।
जनवरी 1885 में दोनों गांवों के बीच एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ जब रेलवे ट्रैक उस इलाके में बिछाए गए। उसके नाम पर चौरी चौरा हो गया। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन ने पूर्वांचल क्षेत्र में काफी जोर पकड़ लिया था। 4 फरवरी को लगभग 2,000 से 2,500 लोगों के बीच प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और चौरी चौरा के बाजार की ओर मार्च करने लगे। पुलिस के साथ झड़प हुई लेकिन स्थिति को वे नियंत्रित नहीं कर पाए और फाइनली जाके हवाई फायरिंग की गई। लेटर द हिस्टोरियन शेखर बंदोपाध्याय रोट रेफरेंसिंग अनदर वेरी एमिनेंट स्कॉलर शाहिद अमीन, ही रोट इन हिज बुक दैट द क्राउड देन मार्च्ड टू द मार्केट थ्रू बिग बैट्स एट द पुलिस एंड व्हेन द लैटर ओपन्ड रियल फायर दे वर चेज्ड इनटू द थाना एंड देन सेट ऑन फायर। कुल मिलाकर 22 पुलिस कर्मी मारे गए। ये सब भारतीय थे। आंदोलन पहले से ही डिसऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्टेनियस होता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशंस हुए, 228 प्रोटेस्टर्स पर ट्रायल हुआ, 6 उनमें से मर गए ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड, 172 वर इनिशियली सेंटेंस्ड टू डेथ। लेटर द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिड्यूस द डेथ सेंटेंस टू ओनली 19, द रेस्ट ऑफ देम द 110 ऑफ देम वर then sentenced to life imprisonment. Gandhi ji ke liye Chauri Chaura Kand was the proverbial last straw. Unhone Asahyog Andolan immediately wapas le liya. Khilafat Andolan bhi khatam ho gaya. Unke faisle ko Congress ke varishth netaon ne criticize kiya, parantu Gandhi ji adig rahe. Aaj jab Chauri Chaura ki baat होती है, गांधी जी की अहिंसा के फिलॉसफी के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 हाई पॉइंट्स में से ये फर्स्ट या पहला था। फैसले को इंडियन नेशनल मूवमेंट के मॉरल अपराइटनेस का प्रतीक माना जाता है। इट्स अ डिफरेंट मैटर दैट मोस्ट डेवलपमेंट्स हिस्टोरिकल एनालिसिस of Chauri Chaura and of course of Gandhiji's decision varies, but then that is a different issue. In contrast to the popular perception, Modi ji ne apne inaugural bhashan mein kya kaha? Humne kyun shuruaat mein kuch bunyadi sawal unke bhashan pe ya is pure development par uthaye the. Pradhan Mantri ne kaha, चौरी चौरा में दिए गए बलिदान ने देश को स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने आगे कहा, चौरी चौरा में 100 साल पहले हुई घटना केवल आगजनी की घटना नहीं थी, इसका संदेश बहुत व्यापक था। मोदी जी आगे बोले, आगजनी की घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, ये सब समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे और कहा, अब हमारे देश के इतिहास में चौरी चौरा के ऐतिहासिक संघर्ष को उचित महत्व दिया जाएगा। आगे और बोले, चौरी चौरा के साथ साथ हर गांव पूरे वर्ष आयोजित होने वाले प्रोग्राम्स में इस घटना के मार्टर्स को याद किया जाएगा। ये सब बोलने के बाद मोदी जी अपने रेगुलर एजेंडे पर लौट गए। हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। वे बोले, सामूहिक ताकत ने गुलामी के जंजीरों को तोड़ा। सामूहिकता यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का आधार है। बैक टू हिज ओन स्लोगन। उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के
कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए उसके बारे में उन्होंने बात की। साथ ही बजट में क्या क्या प्रस्ताव थे इसके बारे में भी बात करने लगे। बट वॉट ही सेड अबाउट चौरी चौरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द राइजिंग टेंडेंसी विच इज विजिबल एस्पेशली सिंस 2014 टू फाइंड faults with the depiction of the national movement. We have seen this in regard to several nationalist leaders who are projected now as the only true heroes whose contribution was erased because of the memory of the likes of Gandhi and Nehru. Sardar Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Madan Mohan Malviya, these are among some of the few people who this government has claimed that their memories, their contribution in the freedom struggle was forgotten because the names of Gandhi, Nehru had to be perpetuated. Chauri Chaura ke case mein issue lekin aur complex hai. Modi ji us par bole the, Swatantrata Sangram mein ek bhi prakaran aisa dekhna durlabh hai, jahan 19 Swatantrata Senani ko ek hi ghatna mein फांसी दी गई थी। सिग्निफिकेंटली मोदी जी ने अपने पूरे भाषण में गांधी जी के बारे में एक बार भी रेफर नहीं किया। इन अ वे बाय स्टेटिंग दैट द मेमोरीज ऑफ दोज हैंग वेर अनफेयरली ट्रीटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस, मोदी वॉज अंडरमाइनिंग गांधी डिसीशन टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट because of unplanned violence. There was a time, we all remember, when the Sangh Parivar used to be perpetually against Gandhi. Halaki, compulsions of politics ki wajah se, BJP Gandhi ji ko openly denigrate nahi kar sakti, phir bhi unke ek bahut hi mahatvapurna faisle ko undermine karne ki koshish ki gayi hai. And that too happened at an official event by a person no less than the Prime Minister. इस भाषण के deeper implications को हम ignore नहीं कर सकते। मोदी जी का भाषण के विपरीत peculiarly RSS के सरसंचालक मोहन भागवत के विचार हैं। February 2020 में, मतलब ठीक एक साल पहले, वे RSS के पहले सरसंचालक बने थे जिन्होंने गांधी जी की जिंदगी और उनके दर्शन, लाइफ एंड फिलॉसफी के बारे में एक बड़ा वक्तव्य जारी किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था दैट गांधी जी हैड कन्विक्शन इन हिज बिलीव्स इन ट्रूथ्स एंड इन नॉन वायलेंस। भागवत जी के स्पीच का कॉन्टेक्स्ट था उस समय एंटी CAA एजिटेशन। भागवत जी बोले थे, जब चीजें गलत हुई तो गांधी जी ने प्रायश्चित किया क्योंकि आंदोलन ने वायलेंट टर्न लिया, कानून और व्यवस्था का उल्लंघन हुआ। आरएसएस के सरसंचालक ने उस समय गांधीयन स्पिरिट को इन्वोक किया था, प्रोटेस्टर्स को आंदोलन वापस लेने के लिए सजेस्ट किया था। मोदी जी ने फैसले को इम्प्लिसिटली क्वेश्चन किया, मतलब गांधी जी के फैसले को। एक ही ऐतिहासिक घटना, एक ही राजनीतिक परिवार, दो नेता और दो कॉन्ट्रडिक्टरी दृष्टिकोण, अजीब नहीं है ये बात? गांधी जी के चौरी चौरा आंदोलन के फैसले को पहले भी क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है, सबसे पहले तो उनके कंटेम्पररीज द्वारा। एकेडमिक सर्कल्स में भी डाइवर्स फ्रेमवर्क्स में इवैल्यूएशन हुआ है लगातार, बट नेवर एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड बाय पोजिंग हिमसेल्फ एज द वन हु इज द रिडीमर ऑफ लॉस्ट मेमोरीज। गांधी जी का पब्लिक लाइफ में इंटरवेंशन और पार्टिसिपेशन इतना व्यापक या वास्त था
कि कोई भी अपने हिस्से का गांधी को घर ले जाकर अपने शोकेस पर डिस्प्ले कर सकता है। लेकिन जब पास्ट एक्सपीरियंस शो करता है दैट अ बेसिक पर्पस हैज बीन टू डीलेजिटिमाइज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट दैट इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑप्रेस्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब देन द वरीज आर नेचुरल। आशंका और गहरी हो जाती है क्योंकि इस शासन की विचारधारा फंडामेंटली हिंसक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आफ्टर ऑल इज टू राइट द रॉन्ग इन हिस्ट्री इवन बाय द यूज ऑफ वायलेंस। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। Thank you.